इस किताब में 12 बच्चों की प्रेरणादायक कहानियां हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि दूसरे बच्चों की मदद के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक दिन हमारे गांव में भाई साहब जी आए और शिक्षा के बारे में बताए। फिर हमने पहली उस फोगनी गांव की पहली लड़की हूँ जो मैं बोली कि मैं पढ़ूंगी। जयपुर में मैं 3 जगह छोटी छोटी पाठशाला चलाता हूँ और उसमें तकरीबन 650 बच्चे हैं मेरे पास में और सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन है। बच्चों को गुलामी, तस्करी, जबरन श्रम, यौन शोषण और अन्य प्रकार की हिंसा से बचाने के प्रयास में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के हस्तक्षेप 140 से अधिक देशों में फैले हुए हैं। उनका खुद का जो जीवन है कैलाश सत्यार्थी जी का बहुत ही प्रेरणात्मक है। किस तरह से उन्होंने एक मुहिम शुरू की, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया कि उन बच्चों को बचाएं, उन बच्चों को नई जिंदगी दें जिनका शोषण समाज में होता रहा है, जिनको हालात ने वो सिचुएशन नहीं दी है, वो हालात नहीं दिए हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को कुछ समाएँ, और ये बहुत ही अंथक प्रयत्न है। सामान्य तौर पर जो बातचीत होती है वो कुछ घटनाओं की होती है, सफलताओं की होती है या आंकड़ों की होती है, डेटा की होती है, लेकिन हर डेटा के पीछे एक इंसान है, एक बेटी, एक बेटा है, एक भाई है, एक बहन है किसी न किसी के, और वो किसी न किसी के दायरे को तोड़कर अगर हम ये महसूस करने लगें कि ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई बहन हैं, तो समाज बदलेगा। प्लीज़ रीड दिस बुक, तुम महले क्यों नहीं आए।